बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शहर के अस्पताल रोड स्थित एक निजी क्लिनिक में रविवार को महिला की मौत के बाद खूब हंगामा हुआ। इससे पहले अस्पताल प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच झड़प हुई। काफी देर बाद स्थानीय लोगों की मदद से हंगामे को शांत कराया जा सका। परिजनों का आरोप था कि इलाज के दौरान अस्पताल के डॉक्टरों ने लापरवाही बरती है, जिसके कारण इलाजरत मुन्नी देवी की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि आरोप बेबुनियाद है। मरीज की यूपी के गोरखपुर में मौत हुई है और परिजन यहां हंगामा कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि दरौली थाना क्षेत्र के बेलसुई निवासी पप्पू गुप्ता की पत्नी मुन्नी देवी को प्रसव पीड़ा होने के बाद उसके परिजन बेहतर इलाज को लेकर भर्ती कराए थे। करीब चार दिन पूर्व महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। दो तीन दिन अस्पताल में इलाज कराने के बाद परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए यूपी के गोरखपुर स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां भर्ती होने के दो दिनों बाद इलाज होने के क्रम महिला ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार महिला का शुगर लेवल काफी कम हो गया था। इधर कुछ लोगों के बहकावे में आकर परिजन अस्पताल पर आकर बहस करने लगे थे। कई बिचौलियों द्वारा बार बार मुआवजा दिलाने की बात कही जा रही थी। वहीं खबर लिखे जाने तक पुलिस का कहना था, इस मामले में अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। न्यूज सिन्हा तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। कुछ जानकारी नहीं है उसके है, जो 22 साल की उनकी पुत्री मरी है। दो तीन दिन से यहाँ पे परेशान था लोग। बात बढ़ाने से कुछ बनने वाला नहीं है। मैं चाहूँगा गरीब परिवार है, मध्यम परिवार से हो, उन्हें कुछ मुआवजा डॉक्टर के तरफ से दे दिया जाए। चार दिन का बच्चा, उस मौत का सौदा कीजिएगा। मौत का सौदा नहीं हो रहा है, गरीब है, किस परिस्थिति में रहेगा? मरा है तो उसके लिए क्या, उसके लिए आप ही बताइए, उसके लिए क्या निर्णय लिया जाए? परिजन का कहना है कि इलाज के अभाव में मौत हुई है। तो आप बताए, कार्रवाई करे स्वास्थ्य विभाग के लोग, कहाँ अधिकारी, कौन यहाँ पे मौजूद है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग कितने डॉक्टर पे केयर कर रहे हैं, किसके पास क्या डिग्री है, क्या नहीं है? ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं तो रोज प्रतिदिन मैं ऐसे केस देखता हूँ, कितने उनपे एफआईआर किए जाते हैं, कितनी आवाज उठाई जाए, कितनी आवाज उठाई जाए, आप बताइए ना। रोज दिन का यही धंधा हो गया है, लोग ऐसे हो गया, कान में गरम तेल डाल के बहरा हो जा रहा है। हम लोग आवाज उठाते रहे, आवाज का कोई वैल्यू नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल जाप से हम, गुफराना व सिद्दीकी नाम हुआ हमारा। जाप हमेशा गरीब लोगों के लिए खड़ा होता है। फरमाइश करा रहे, सौदा करवा रहे। सौदा कहाँ से हो गया, आप बताइए ना सर। केस लड़ने का परिवार में ना हो, परिवार के लोग राजी हैं। केस पर परिवार से आइए, बात कर लीजिए सामने। आपने क्या परिवार से बात किया? परिवार से बात किया मैंने। क्या क्या दुर्घटना पीरियड में सर, परिवार के तरफ से न्याय के तरफ, न्याय मांग है हमारी, हक के तरफ से हूँ ना। परिवार के न्याय कैसे न्याय होता है? सजा दिलवाइए, आप कंप्लेन करवाइए, कंप्लेन करवाइए। कंप्रोमाइज कोशिश हद तक हो रही, कंप्रोमाइज क्या हो रही है? कितने पैसे लेन देन पैसे आप सारे पैसे लेन देन कहाँ दिलवाया गया? आपने जो बात किया उसके दिलवा दे रहे हैं। पैसा आपने कितना, पैसा कहाँ दिलवाया गया? आर्थिक मदद का मैंने कहा कितना, ना ही का जान का सौदा, पैसा नहीं बताया मैंने। जो लगे एक परिवार, आपने बोला कि आर्थिक मदद का, मैंने आर्थिक मदद का, आपने बोला कि मैं आर्थिक मदद सर का दिलवा रहे हैं। आर्थिक आर्थिक के लिए तो सारे लोग जी रहे, जो उनको उचित लगे उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, आर्थिक के लिए नहीं कि मैं सौदा कर रहा हूँ। ये आप लोग की सोच है, आपके थ्रू बात हो रहा है, हमारी सोच ऐसा नहीं है। आपके थ्रू बात हुई है ना, हमारे थ्रू बात क्या हुई है? मैं तो ब्लड दिलाए कि उस दिन मीडिया कहा थी, उस दिन और लोग कहा थे, और रोज दिन घटना हो रही है, उस दिन कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अस्पताल रोड में रोज घटना हो रही है, उस दिन आप लोग कहाँ रह रहे हैं? जिस दिन लोग गाली देकर भागा रहे हैं, उस दिन न्याय के लिए आप लोग सर कहाँ थे? कौन फोन करेगा उस दिन? आपने फोन किया, आपने फोन किया, आपका काम कैसे, आपका काम है रखना। मैंने फोन किया आपको, आपको मैंने फोन किया, मैंने फोन करवाया, मुझे यहाँ से मैंने फोन किया, तो फोन किया होगा वो करे, लेकिन उस दिन आप कहाँ थे? फोन किया होगा, आप उस दिन कहाँ थे? फोन करने कहाँ पे, नंबर नहीं था आपका? तो अभी आप, मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप बोल रहे उस तरह का मेरा व्यक्तिगत भी रिश्ता नहीं है। आपका काम है, आप घूम रहे हैं अस्पताल रोड देख रहे हैं, आपको यहाँ पे किसने बुलाया है? परिवार के परिजन, मृतक के परिजन ने।